डॉकर को एक्सटर्नल वॉल्यूम जो सीखा है हमने ना, इसको कस्टम बोलते हैं, कस्टम वॉल्यूम। मतलब हमने अपना पाथ चूज किया कि ये पाथ है, इसको माउंट कर दो कंटेनर्स के अंदर। एक तरीका और है जिसको बोलते हैं नेटिव वॉल्यूम प्लेस। नेटिव वॉल्यूम प्लेस, कंटेनर्स का अपना एक प्लेस और है वॉल्यूम का। एक कमांड चलाओ, डॉकर वॉल्यूम क्रिएट सपोज वॉल वन। इस कमांड से भी एक वॉल्यूम सेटअप हो गया। लेकिन अब आपको डाउट है सर, वॉल्यूम कहाँ बना, कितना स्पेस लिया इसने? तो पहले तो वॉल्यूम कितने बने हुए हैं अभी तक वो देखो। बोला पहला वॉल्यूम आपने बनाया है वॉल वन नाम से, लेकिन ये वॉल्यूम क्रिएट कहाँ हुआ है सर? डॉकर इंस्पेक्ट वॉल वन, ये इस प्लेस में जाके सेटअप हुआ है भाई, बैर लिव डॉकर वॉल्यूम। तो मुझे एक बात बतानी थी, डॉकर का एक अपना नेटिव प्लेस वर्ड बोला है मैं, नेटिव प्लेस। नेटिव प्लेस का मतलब है कि डॉकर बाय डिफॉल्ट, अगर आप वॉल्यूम कस्टम पाथ आपको नहीं पता स्लैश स्टोरेज कौन सा फोल्डर माउंट करना है, तो ऐसे कमांड चलाओगे तो डॉकर वॉल्यूम जो बनेगा अपने आप वो जाके इस पाथ के अंदर बनेगा, इस पाथ के अंदर। तो सर ये वॉल्यूम पाथ स्पेस कहां से लेगा? देखो वॉल्यूम प्लेस कहां से लेगा स्पेस? वॉल वन वॉल्यूम के अंदर है, वॉल्यूम डॉकर के अंदर है, डॉकर लिव के अंदर है और लिव बैर के अंदर है। तो सर ये तो यार हमारे रूट से ही जा रहा है स्पेस ना। बिल्कुल बात है, ये तो स्पेस रूट से जा रहा है। तो तुमको पहले ही क्या करना था, बैर फोल्डर के ऊपर एक एक्सटर्नल डिस्क माउंट करनी थी अगर से, तो नहीं समझे? मतलब तुमको इस प्लेस के ऊपर एक अलग से ड्राइव माउंट कर ली होती आपने अलग से, तो फिर ये बॉल वन स्पेस मशीन के रूट का ना लेके फिर उस वॉल्यूम से स्पेस लेता। अभी तो ये स्पेस कंज्यूम कहां से हो रहा है? तुम्हारे मशीन के रूट से जा रहा है स्पेस आपका ये। समझे क्या क्या बोल रहा हूं? मतलब वॉल्यूम देने के दो मेथड है, या तो कस्टम फोल्डर बना लो अपना उसे माउंट कर दो। कस्टम फोल्डर नहीं बनाओगे तो बाय डिफॉल्ट वॉल्यूम जाके जो सेटअप होगा वो वॉल्यूम फोल्डर के अंदर बनेगा, राइट? और वॉल्यूम फोल्डर के ऊपर एक डिस्क माउंट करके रख लो पहले से ऑलरेडी आप, तो वो जो बॉल वन बॉल टू बनेंगे वो सब उस डिस्क में स्पेस लेंगे आपके। सर ये वॉल्यूम माउंट कैसे होगा? फिर माउंट तो करने का कॉमन तरीका है, फिर वही डॉकर रन माइनस डी। अब पूरे पाथ की नीड नहीं है, सिर्फ वॉल का नाम दो ऐसे, वॉल्यूम वन माउंट करना चाहता हूँ कि उसके अंदर कोई पाथ डिफाइन करना है, कोई भी सपोज यूएसआर सेयर एंजिन है, HTML नेम है वेब सर्वर और इमेज का नाम है NGINX। वेब कंटेनर पहले से एग्जिस्ट है तो इसको लॉस कर देता हूं, दोबारा इसी नाम से कंटेनर लॉन्च कर देता हूं। तो भाइयों सिंपल सा मेरा कहने का मीनिंग ये है कि अब जो भी तुम इस पाथ में चेंज करोगे आप किसके अंदर, बैर लिव डॉकर वॉल्यूम वॉल वन अंडरस्कोर डाटा के अंदर जो फाइल डालोगे ना, यहाँ जो भी लिखोगे, कुछ भी लिखा यहाँ पे, सपोज आपने क्या लिख दिया इसके अंदर, वेलकम, तो ये डेटा तुमको कंटेनर्स के अंदर दिखना स्टार्ट हो जाएगा अपने आप। कैसे? कंटेनर्स के अंदर जाओ, और यहां यूएसआर शेयर एंजिनेक्स HTML के अंदर एक फाइल पड़ी है, उसमें आप जाके देखो वो फाइल का डेटा क्या था, जो कंटेंट वॉल्यूम पर राइट हुआ था वही कंटेंट आपको कंटेनर्स के अंदर दिख रहा है, क्योंकि कंटेनर्स इस प्लेस के ऊपर वॉल्यूम को माउंट करके बैठा हुआ है, राइट? तो ये भी एक्सटर्नल वॉल्यूम की तरह कंसीडर हो रहा है। मतलब कल को ये बैब कंटेनर चला गया तो बट वॉल्यूम सिस्टम में आज भी एग्जिस्ट रहेगा आपका। वेब चला गया देखो, लेकिन फिर भी आप देखो वॉल्यूम लिस्ट में जाओ, वॉल्यूम की लिस्ट आज भी अवेलेबल है। वॉल वन तो आज भी क्या हो रहा है आपको, विजिबल हो रहा है। दोबारा से चाहो तो कहीं और इसको माउंट कर सकते हो आप लोग नए कंटेनर्स के अंदर, राइट? तो स्पेस कितना दिया बॉल वन में दिख नहीं रहा है। थिन प्रोविजन, कोई स्पेस नहीं है, ऐसे प्री एलोकेट स्पेस नहीं होता। जितने वॉल्यूम्स आप बनाओगे सबका बेयर लिव डॉकर वॉल्यूम प्लेस होगा और थिन वेस्ट होगा, जीरो साइज का होगा बाय डिफॉल्ट। वंस यू स्टार्ट द यूज्ड
तो उसके अकॉर्डिंगली स्पेस कवर होगा। अब इसमें कोई कोटा लिमिट आप अप्लाई नहीं कर सकते कि नहीं ये वॉल्यूम 4 GB का हो 5 GB का हो, ऐसा नहीं कर सकते आप। वैसा करना है तो फिर डिस्क बनाओ और डिस्क को अपने कस्टम पाथ पे माउंट करो, वो तरीका है फिर आपका जो आपने पहले पढ़ा था अभी, कौन सा वाला, इसमें तुमने स्पेसिफिक साइज का वॉल्यूम काटा था, कितने साइज का, मतलब ये वॉल्यूम जिस कंटेनर्स को दोगे वो कंटेनर्स 2 GB से ज्यादा फाइल राइट नहीं कर सकता, क्योंकि बैकएंड में वॉल्यूम का साइज कितना है, अराउंड 2 GB का है। यहाँ की लिमिट क्या है सर, फिर यहाँ स्पेस सर कितना यूज कर सकते हैं इन वॉल्यूम के अंदर, तो भाइयों ये फिर तुम्हारे जो सिस्टम का रूट है, क्योंकि तुमने यहाँ एडिशनल डिस्क माउंट की नहीं है, तो ये तुम करीब करीब अभी 6.5 GB स्पेस क्या है अवेलेबल है, तो ये वॉल्यूम जो स्पेस लेगा ना, ये वॉल्यूम स्पेस लेगा वॉल्यूम से। वॉल्यूम कहाँ बना हुआ, डॉकर के अंदर, डॉकर लिब में है, लिब कहाँ है, बैर के अंदर, और बैर फाइल सिस्टम कहाँ बना हुआ है, रूट के अंदर। तो फाइनली जो इस वॉल्यूम का स्पेस कंज्यूम होगा ना, वो तुम्हारे सिस्टम के रूट में से जाएगा, क्योंकि तुमने इस प्लेस के ऊपर कोई डिस्क अलग से माउंट की नहीं है, ये बोल रहा हूँ मैं, मेरा पॉइंट आप समझे होंगे आई थिंक। सर क्वेश्चन ये है, ये बार जो है ये तो रूट का पार्ट होता है, तो इसको क्या हम अनदर डिस्क पे माउंट कर सकते हैं? करते भी हैं प्रोडक्शन में, तो आपको पता होगा ऑन ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन टाइम वेयर फाइल सिस्टम को रूट के साथ एंगेज करते नहीं है, वी ऑलवेज सेट अप 3 पार्टीशन, इवन बूट पार्टीशन हो गया, बेयर पार्टीशन हो गया, इनको रूट से अलग रखते हैं हमेशा, हम लोग देखा होगा आपने। इसके लिए अलग एलवीएम बना होता है सर, मेरे एनवायरनमेंट में तो ऐसे ही है। जैसे हाँ जैसे जिस डिस्क में हम रूट पार्टीशन बना रहे हैं उसके अलावा दूसरी डिस्क में इसको डाल सकते हैं क्या? ऐसे ही करते प्रोडक्शन में, जैसे आपका LVM 1 है रूट के लिए, LVM 2 है आपका बूट के लिए, LVM 3 है आपका वैर के लिए। वरना ऐसा नहीं, देखो एक काम ही कर सकता हूं मैं पूरे डॉकर का जो प्लेस है ना वही चेंज कर सकता हूं। मैं चाहता क्या हूं कि सर ऐसा कर दो ना, आप सिर्फ वॉल्यूम का पाथ चेंज क्यों कर रहे हो, तुम अपनी कंपनी में कंपनी से बोलो कि ये हमारा एक फोल्डर है, अब डॉकर के रिलेटेड, डॉकर इमेजेस, डॉकर के एक्सटर्नल वॉल्यूम जो भी होंगे प्रोविजन, सब कुछ स्पेस मैं कहां से लूंगा, कहां से, और इसके ऊपर आप डिस्क माउंट कर लो अपना, आप कंपनी का जो डिस्क अलग से आपका, अगर ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन टाइम आपने बेयर फाइल सिस्टम पे डिस्क माउंट नहीं किया हुआ तो कोई टेंशन नहीं है, आप अलग से बनाओ फोल्डर पहले एक, और डॉकर से बोलो डॉकर तुमको अब कोई भी डेटा राइट करना है अपना, तो तेरा डॉक्यूमेंट रूट हम चेंज कर रहे हो, अभी तक सब कुछ राइट कहाँ हो रहा था, कहाँ था, ये टॉपिक अलग जाएगा, मैं इसको करा दूंगा अभी, बट मेरा टॉपिक पहले यहाँ खत्म होता है टॉपिक ना, इसको थोड़ा सा होल्ड कर लो अभी, ये क्या चीज है, ओके इसका मतलब है रूट डायरेक्टली चेंज करना, कंटेनर की पूछा था इंटरव्यू में, कंटेनर का रूट डायरेक्टली चेंज कर सकते हो क्या आप, तो रूट डायरेक्टली का मतलब होता है डॉकर का रूट प्लेस क्या है, बैरलिव डॉकर, तो बैरलिव डॉकर प्लेस को मैं चाहूं तो किसी कस्टम पाथ पे चेंज कर सकता हूं, कि डॉकर के वॉल्यूम्स, इमेजेस, कंटेनर्स, ओवरले, एवरीथिंग शुड बी राइट इनसाइड द सेपरेट फोल्डर, बैरलिव डॉकर वॉल्यूम मुझे ब्लैंक कर देना है, इसके अंदर से मुझे कुछ भी यूज नहीं करना, तो रूट डायरेक्टली चेंज करना बोलते हैं कंटेनर्स की, उसको आगे बात करूंगा अभी। इसी में क्वेश्चन है, जैसे हम एक्सटर्नल वॉल्यूम माउंट कर रहे हैं डिस्क ऐड करके, एक तो वो तरीका हो गया, एक आप क्रिएट कर रहे हो वॉल्यूम, तो ये क्रिएट किसी एक्सटर्नल पाथ पे नहीं हो सकता, कहीं और पे, मतलब ये वही होगा रूट वॉल्यूम के अंदर एक्सटर्नल पाथ पे डॉकर कहीं और पे, जैसे का रूट वॉल्यूम जहां होगा वो, क्योंकि वो वॉल्यूम जो है ना वो रूट वॉल्यूम काउंट होता है, तो डॉकर का जो डॉक्यूमेंट रूट होगा वो वही होगा स्पेस ये, वहां से लेगा बस, हाँ ये ध्यान रखना है आपको। ओके एक्सटर्नली, मतलब किसी और डिस्क से अगर हम करवाना चाह रहे हैं तो वहां से नहीं हो पाएगा। करवाना चाह रहे हो तो ठीक है, एक काम कर दो फिर, आप इस वॉल्यूम को बनाने के बाद इस प्लेस के ऊपर अपने डिस्क माउंट कर लो पहले अलग से, आप ओके okay. नहीं समझे, नहीं, सर डिस्क माउंट नहीं, जैसे डिस्क है पहले से उसका ऐसे नहीं कर ओके सकते, आपकी डॉकर वॉल्यूम क्रिएट Bol1 बने और स्पेस यहां से ले, ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, okay, माउंटेड ही है, मतलब वो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही जो हमारा है ऐसे तो डिस्क डॉकर वॉल्यूम कमांड का मतलब यही है कि वी वॉन्ट क्रिएट वॉल्यूम इन योर नेटिव प्लेस, आपका जो वॉल्यूम प्लेस है हम वहां से वॉल्यूम पिक करना चाहते हैं ठीक है बस, सर, ठीक है ठीक है। तो ये एक्सटर्नल वॉल्यूम देने के 2 मेथड थे, या तो डॉकर वॉल्यूम लिस्ट कमांड, डॉकर वॉल्यूम जो क्रिएट कमांड है उसे वॉल्यूम दे दो,
या फिर कस्टम फोल्डर बनाओ तो उसको माउंट कर दो, ठीक है। और वॉल्यूम को हटाना अगर आपको, तो वॉल्यूम को हटाना अगर आपको, डॉकर वॉल्यूम आरएम, अब मैं एक पॉइंट समझा दे रहा हूं, इस टॉपिक से बाहर है वो, हाउ टू चेंज रूट डायरेक्टरी ऑफ कंटेनर। डॉकर का रूट रूट डायरेक्टरी जो होता है उसे कैसे चेंज करते हैं, जैसे अभी रूट डायरेक्टरी क्या आ रहा है देखना एक बार, अभी कंटेनर्स का जो रूट डायरेक्टरी आ रहा है वो क्या है, वायर लिव डॉकर वे, इसका मतलब ऑल इमेजेस, ऑल कंटेनर्स मेटा डेटा, ऑल कंटेनर्स ओवरले फाइल सिस्टम, ऑल वॉल्यूम प्लेस, स्पेस कहां से ले रहा है, वायर लिव से ले रहा है। किसी ने भाई ने पूछा था स्टार्टिंग में, सर मैं अपनी इमेजेस को भी ना रूट सिस्टम में डाउनलोड करना नहीं चाहता, अब बताओ। अभी डॉकर इमेज पुल करते होंगे तो स्पेस कहां से लेती है वो, मैं डॉकर इमेजेस को भी पुल करूं तो वो इमेजेस भी पुल होके सिस्टम पे आए तो एक्सटर्नल डिस्क को यूज करें, वो हमारे डॉकर की जो रूट है ना उसको यूज ना करें। तो फिर एक काम करो, पहले अपना डिस्क का माउंट कर दो। सपोज मैंने ऐसा मान लिया कि मेरा एक डॉकर फोल्डर है और यहाँ मेरी कंपनी की डिस्क माउंटेड है, अब मैं इसी डिस्क में रिलेटेड टू डॉकर जो भी फाइल बनती है, इमेजेस डॉकर की, इमेजेस कंटेनर्स एवरीथिंग आई वॉन्ट कीप सेपरेट इन साइड डॉकर फोल्डर विच हैविंग बट डिस्क माउंटेड, ठीक है। तो इसको एक गूगल पे, मुझे ऐसे तो याद नहीं आ रहा, काफी टाइम से ध्यान नहीं पैरामीटर, तो आपको एक काम करना होगा सर, डॉकर रूट डायरेक्टरी चेंज इन सेंटोस फैमिली, तो यहां इसका आंसर मिल सकता है, थोड़ा बहुत देखते हैं यहां, तो वैसे तो बता रहा है कि डायमंड डॉट जेसन फाइल खोलो और वहां पे लिख दो, या तो ये तरीका यूज कर सकते हैं हम, कौन सा वाला, या फिर ये बता रहा है क्या कि ग्राफ करके पैरामीटर होता है एक, चलो ये यूज कर लेते हैं, कौन सा वाला, तो ये चीज कहां से मिलेगी हमको, ETC सिस्टम डी, डॉकर का डायमंड यहां होता है, सिस्टम के अंदर डॉकर मल्टी टारगेट में होगा शायद, रुको एक बार ना, इसका पाथ निकालता हूं क्या है, ये है यूएसआर लेव होता, सॉरी ना गलत जा रहे थे हम लोग, ये पाथ होता है इसका, डायमंड जहां से लोड, इसका डायमंड जहां से लोड हो रहा है सिस्टम में, बात ये है, राइट। तो यहां आके बस आपको एक काम करना होगा, यहां आके ना एक लाइन लिखनी होगी आपको बस, हाइपन 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 ग्राफ, और फाइल सिस्टम ओवरले टू है, ये ओवरले यूज कर रहा है तो हमें ओवरले टू यूज करना पड़ेगा यहां वर्ड, बस फाइल को सेव करो, सिस्टम CTL डायमंड को रिस्टार्ट लो एक बार, नहीं एक बार डायमंड को रीलोड करना पड़ेगा, डायमंड रीलोडेड, रीलोड है बस, रीलोडेड नहीं, राइट। हाँ सिस्टम CTL अब एक बार रिस्टार्ट, अगर डॉकर रिस्टार्ट हो गया तो ठीक है। अब एक काम करो, देखो इसका मतलब वो इमेज कहां चलेगी आपकी होता हो, क्योंकि इसके नए प्लेस में इमेज है ही नहीं, इसके अंदर यहां तो कुछ नहीं आ रहा अभी ना, अब मैं जब एक इमेज पुल करूंगा डॉकर इमेज, डॉकर पुल, अब देखते हैं इमेज पुल कहां हो रही है ना,
इसका मतलब ये इमेज डॉकर वैल्यू डॉकर वाला पाथ जो है ना, नहीं यार हमने गलती से क्या कर ली पता है, आपको ध्यान नहीं दिया आप लोगों ने, स्लैश एमएनटी करके दिया हुआ हमने तो कस्टम पाथ ले लिया है ना, कौन सा वाला, हाँ हमने यहाँ ले लिया कौन सा वाला पाथ, ये पाथ ले लिया है, और ये पाथ सिस्टम में था नहीं, ये अपने आप बन गया देखो ऑटोमेटिकली, कौन सा पाथ, ये पूरा डॉकर ओवर डॉकर का पूरा जो एरिया था ना यहाँ आ गया है वो, समझे भाई, गॉट इट ना। अब तुम चाहो तो इस एरिया को लॉस कर दो, इसको इसका कोई बेनिफिट नहीं है, बेयर लिव ये तुम चाहो तो खत्म कर दो पूरा एरिया, कोई इसकी नीड नहीं है, दैट्स इट, क्योंकि तुमने डॉकर का पूरा रूट डायरेक्टरी चेंज कर लिया है, तो ये उनके लिए है जो नेटिव प्लेस को यूज करना नहीं चाहते, जिनको कस्टम लोकेशन में डॉकर रखना है अपना, डॉकर को लेके जो फाइल बनती है, डॉकर का जो इमेजेस का पाथ होता है, डॉकर की जो वॉल्यूम के पाथ होते हैं, कंटेनर्स का जो मेटा डेटा होता है अपना, सो एवरीथिंग कंटेनर के रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं, वॉल्यूम्स हैं, सर मुझे वो कस्टम पाथ के ऊपर रखनी, क्यों, कस्टम पाथ में मेरा वॉल्यूम माउंटेड है, ठीक है, राइट ना। इसी चैप्टर में एक पॉइंट आता है, डॉकर का बैकअप क्या है, इमेज का, सॉरी डॉकर कंटेनर्स का बैकअप क्या है सर, तो कंटेनर बैकअप सॉल्यूशन कुछ नहीं होता यार, जो वॉल्यूम आप दे पा रहे हो तो जो वॉल्यूम फोल्डर आ गया वो आपका बैकअप तो है ही, अब क्या है, अब तो आप लोग उस बैकअप को कहीं भी सीपी कमांड से कॉपी कर लो, कहीं पे जहां ले जाना आपको डेटा को, तो कंटेनर बैकअप का देर इज नो लाइक कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास अलग से कि ये बैकअप लेने के तरीके हैं कंटेनर्स के, नहीं, इमेज का बैकअप लेना अलग चीज है, वो तो डॉकर हब पे इमेज पड़ी हुई है वहां से पुल कर लो जो भी है, डॉकर इमेजेस का बात अलग कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूँ कंटेनर के बैकअप की अभी, तो आप आंसर क्या दोगे, आप उसका आंसर आप पूछिए, आपसे इंटरव्यू में कंटेनर्स का बैकअप सॉल्यूशन क्या दोगे आप आंसर, तो वॉल्यूम इज का आंसर है, अलग से कोई आंसर नहीं है उसका, सीधा बोलो कंटेनर्स का बैकअप कुछ नहीं होता, कंटेनर्स जहां डेटा राइट करता है वो डेटा क्या होता है, वो डेटा या तो इमेज के अंदर राइट होगा कमिट करोगे तो इमेज का बैकअप ले लो, अगर आपका डेटा एक्सटर्नल वॉल्यूम पे माउंट हो रहा है राइट हो रहा है तो वॉल्यूम का बैकअप ले लो सीपी कमांड से नॉर्मल जिससे आप लेते हो बैकअप वगैरह, ठीक है ना। हाँ भाइयों जी सर, तो कंटेनर बैकअप जो वर्ड आता है इसका कोई अलग मेरे पास कोई चैप्टर नहीं है, अलग कोई लैब नहीं है इसके लिए, कोई कमांड नहीं है, बैकअप मतलब एक जो पढ़ाया आपने उसी का आंसर देना होता है खाली बस, कि बैकअप क्या चीज है, कंटेनर्स की फाइल्स, तो फाइल कहाँ रखी है आप लोगों ने, वॉल्यूम पे रखी हुई है, तो वॉल्यूम को आप कहीं भी सीपी कमांड से कॉपी कर लो, बैकअप बन गया उसका बस, और क्या होता है, ठीक है। तो ये चैप्टर था आपका डॉकर वॉल्यूम का, राइट। अभी हम आगे चल के जब क्लस्टरिंग पढ़ेंगे, ये सर कल को ये नोट डाउन हो गया, और ये कंटेनर जब यहां से उठ के कहीं और जाएगा तो जो वॉल्यूम होगा उसका क्या होगा फिर, तो ये जो आपने पढ़ा है भी सब नॉन शेयर्ड है, क्या पढ़ा है आपने अभी, क्या बोलते हैं उसको, माइग्रेशन नहीं पढ़ा आपने अभी तक, कि सर कल को ऐसा हो जाए सर मेरे पास, सर मैं कुछ ये चाहता हूं प्रोडक्शन में कि हमारे पास दो डॉकर होस्ट हो, एक स्टोरेज सर्वर हो, कंटेनर यहां चले तो वॉल्यूम यहां माउंट हो जाए, जब ये डाउन हो जाए तो कंटेनर यहां से यहां पहुंचे और ये सेम वॉल्यूम मुझे यहां मिल जाए, तो ये सब आपका आगे वाला पार्ट आने वाला है, इसको बोलते हैं क्लस्टरिंग, जो कहां पढ़ोगे आप लोग, क्यूबनेटी के अंदर पढ़ोगे आप लोग, अभी तुमने खाली बस सीखा है सिंगल होस्ट वॉल्यूम, एक होस्ट पर चलने वाले कंटेनर्स को एक्सटर्नल वॉल्यूम कैसे देते हैं बस, अभी ये अचीव करना है तो मैनुअली करना पड़ेगा आपको, अभी ये हो सकता है पॉसिबल आज भी, कैसे, इससे वॉल्यूम उठाओ, इस इमेज को यहां पुल करो और यहां कंटेनर लॉन्च करो और वॉल्यूम को माउंट कर लो, बट ये सब कैसा है अभी, मैनुअल है बेसिकली, डिटैच करना, अटैच करना, फिर माउंट करना, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर डॉकर वॉल्यूम का था, जिसको बोलते हैं नॉन शेयर्ड वॉल्यूम, सिंगल डॉकर होस्ट के जो ऑपरेशंस होते हैं वो आपने पढ़े हैं अभी, क्लस्टरिंग में वॉल्यूम कैसे आएगा वो बाद की बात है, तो ऑलमोस्ट ये पूरा कोर्स दोबारा से रिकैप होगा इन टर्म्स ऑफ क्यूबनिटी, कि क्लस्टर में ये सब
टेक्निक कैसे काम करेंगी पूरी, यहाँ हाई अवेलेबिलिटी वाली बात चाहिए मुझे, ठीक है। अब यहां से आगे आपके तीन पॉइंट बचेंगे अभी मेरे सामने, डॉकर फाइल, डॉकर कंपोज, देन डॉकर रजिस्ट्री, राइट। तो ये एक फंडामेंटल था पहले डॉकर को लेके, जो मुझे आपका थोड़ा सा सेटअप करना था। स्वाम हम नहीं कर रहे हैं ना, उसकी जगह स्वाम तो एक पूरा ऑर्केस्ट्रेशन टूल है जिसकी जगह आप पढ़ोगे क्यूबरनेटीज। क्यूबरनेटीज, ओके।